सावन में पौधों की हरियाली, सावन में पौधे जो भी लगाइए हरे हरे हो जाते हैं, खिले खिले देखकर मन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज सुबह बारिश हुई और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज बारिश हुई, तो मौसम देखिए बिल्कुल साफ है और आसमान तो साफ था लेकिन धूप नहीं निकली थी और गर्मी हो रही थी। मतलब बारिश भी हुई है, उसके बाद गर्मी भी इस तरह से हो रही है कि पसीने से तो पूरी भीगी गए। और फिर मैंने सुबह कपड़े देर से धोकर डाले थे छत पे और कपड़े उतार लिए और यहाँ ना कुछ सीताफल की सब्जी बनाई थी, बीज थे तो वो गमले में डाल दिए, तो अच्छे भरे। बारिश के देखिए दो चार दिनों में पौधे कितने अच्छे आ गए हैं। कपड़े लेकर आई हूँ, उसे रखने के बाद आलू उबाल लिए थे तो ब्रेड पकौड़ा बनाया था, चाय बना ली, गुप्ता जी आ गए थे ऑफिस से, बस साथ में ब्रेड पकौड़े और चाय का नाश्ता किया गया। तो आइए साथ में ब्रेड पकौड़े और चाय का नाश्ता करते हैं। और रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की है ब्रेड पकौड़े की, आगे वीडियो में इस और एक नई रेसिपी आप लोग के लिए जरूर लेकर आऊंगी मैं। तो यहाँ बस ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बना हुआ था तो सभी तारीफ कर रहे हैं और नाश्ता हो गया है तो बस अब डिनर की तैयारी। तो यहाँ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, उसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए, तेज पत्ता और बड़ी इलायची डाल दिया था और यहाँ पर दो मीडियम साइज प्याज इस तरह रफली चॉप कर लिया है, उसे यहाँ डाल दिया है। आज बनाने जा रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर। तो कढ़ाई पनीर डिनर में बन रहा है और क्योंकि टमाटर के रेट तो सभी को पता ही है तो दो टमाटर लिए हैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के मैंने। और टमाटर पता है एक हफ्ते पहले तो था 100 रुपीज़ केजी, फिर 200 और 250 हो गया सडनली और आज 150 मतलब मार्केट में प्राइस था इसका जब मैं लेने गई थी तो। और मुझे आधा किलो टमाटर मिला है 70 रुपीज़ में। तो बस प्याज को हल्का हल्का फ्राई कर लिया, तो कच्ची हल्दी थी तो मेरे पास काट कर डाल दी, थोड़ा सा अदरक आधा इंच डाल दिया था, लहसुन की कलियां डाल दी थी साथ में कुछ, और टमाटर डाल दिया था फ्राई होने पे और टमाटर को सॉफ्ट होने पर मसाले डाल दिए थे। मसालों में जो मैंने लिया था एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला और हल्दी मैंने कच्ची हल्दी डाल दी थी इसलिए उसे नहीं डाला यहाँ पर। और डाल दिया है मैंने यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च और 8 से 10 काजू। तो काजू आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर इसी तरह से साबुत डाल दे रही हूँ। साथ ही एक बड़ा चम्मच भरकर टमाटो सॉस डाल दिया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे और मसालों को भी कम से कम 3 से 4 मिनट इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब इन मसालों को मैं ठंडा करके उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी और यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज काट ली है और इस तरह से उसी कढ़ाई में हमने मसालों का पेस्ट बनाकर डाल दिया और मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी 1/4 कप डालकर उसमें डाल दिया था। दूसरी तरफ फ्राई पैन में तेल गर्म कर लिया, उसमें शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई कर लिया है और दूसरी तरफ ग्रेवी हमारी पक रही है। और अगर आप चाहें तो टमाटर की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च को पहले तेल में डालने से बस एक क्रंच सा रखना है हमें, तो 20 से 30 सेकंड इस तरह से फ्राई कर लिया है। उसके बाद प्याज को इस तरह से बड़े बड़े स्क्वायर शेप में काट लिया है तो उसे भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। बस प्याज को भी हमें हल्का हल्का ही फ्राई करना है, बस ट्रांसपेरेंट करना है हमें प्याज को, पकाना नहीं जाता, बस क्रंच सा ही रखना है सब्जियों में। और ग्रेवी अच्छी तरह से पक रही है, देखिए बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी हमारी पक कर तैयार हो गई है बहुत ही। हमें जितनी थिकनेस चाहिए उसी हिसाब से हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है और प्याज शिमला मिर्च फ्राई होने के बाद भी पनीर भी यहाँ पर डाल दिया इस तरह से, इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है पनीर को। और पनीर को भी 2 मिनट फ्राई कर लेंगे इसी तरह से टॉस करते हुए और फिर उसके बाद इस पर थोड़ी सी नमक, जिसे सब्जियों में नमक का स्वाद आ जाए, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से हमने इस पर डाल दिया है और साथ ही कुछ कुटी हुई काली मिर्ची, सब्जी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इससे सब्जी पर भी मसालों का कलर आ जाता है और देखने में सब्जी भी बहुत ही अच्छी लगती है और सब्जी अगर देखने में अच्छी हो तो खाने का मन अपने आप ही कर जाता है। तो देखिए इसी तरह से टॉस करते हुए सब्जियों को पका लिया है, मतलब ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस एक क्रंच सा ही रखना है सब्जियों में। और देखिए यहाँ पर ग्रेवी पक चुकी थी तो सब्जियों को उसमें हमने पलट दिया है, बस सब्जियाँ पलटने के बाद 2 से 3 मिनट पकाया है।
फ्रेश क्रीम है मेरे पास, तो फ्रेश क्रीम यहाँ पर एक बड़ा चम्मच भरकर डाल दे रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए वरना स्किप भी कर सकते हैं, और दूध की मलाई हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जब भी कढ़ाई पनीर बनाते हैं तो इस तरह से फ्रेश क्रीम भी हम इसमें ऐड करते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ज़्यादा नहीं, एक चम्मच आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी खाने में। और देखिए सब्जी बिल्कुल देखने में बिल्कुल हलवाई और रेस्टोरेंट वाली सब्जी आपको दिख रही होगी, देखने में बहुत ही अच्छी दिख रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी हुई है ये सब्जी। क्रीम डालने के बाद बस 2 मिनट इसे पका लिया, और उसके बाद हमने गैस का फ्लेम किया बंद और ऊपर से लगाया इसमें तड़का। तो घी गर्म कर लिया था, और घी गर्म करने के बाद उसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी थी 2 से 3, और हल्का सा मिर्चों को पकाने के बाद तो बस मिर्च लाल हो गई थी, तो गैस से तड़का पैन को हटा दिया था, नीचे रख लिया है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरह से डाल दी है, और हल्के से कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे सब्जी में ना कलर आएगा और एक रोगन आ जाता है बहुत ही अच्छा, और देसी घी से ऊपर से इस तरह से तड़का देने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। पहले भी रेसिपी शेयर की है मैंने, तो उसमें इस तरह से तड़का नहीं लगाया था, तो कुछ चेंजेस हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी उससे भी बेहतर बनकर मिलेगी आपको। तो बस तड़का लगाया और सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने रोटियां बना ली। यहाँ पर गुप्ता जी ने प्लेट सर्व कर दी, नैतिक को भूख लग गई थी तो बस नैतिक की प्लेट लग चुकी है। तो थोड़े से जीरा राइस भी बना लिए थे, और ये ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था सब्जी में। तो बस दही वाली चटनी प्याज और हरी मिर्च के साथ सर्व की है डिनर की ये थाली, कढ़ाई पनीर साथ में बटर वाली रोटियां। तो एंजॉय करते हैं आज का डिनर, और कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।